आज की कहानी का नाम है प्यासा कौआ। गर्मी का मौसम था, आसमान में कौआ उड़ रहा था। तेज धूप निकल आई थी। जैसा कि हम जानते हैं, गर्मी के मौसम में हमें बहुत प्यास लगती है। हमें बार बार पानी पीने का मन करता है। वैसे ही कौआ गर्मी की वजह से बहुत प्यासा था। वह पानी की खोज में इधर उधर भटक रहा था। भटकते भटकते उसे जमीन पर पानी का घड़ा दिखा। वह पानी के घड़े में आकर बैठ गया। घड़े में पानी तो था, पर बहुत कम। पानी घड़े में था और घड़े का मुंह बहुत छोटा होता है, इसलिए कौआ घड़े से पानी नहीं पी पा रहा था। उसने इधर उधर देखा तो उसने पास में कंकड़ पत्थर देखा। उसके दिमाग में एक विचार आया कि कंकड़ पत्थर को यदि घड़े में डाल दिया जाए तो पानी बाहर आ जाएगा। कौआ ने कंकड़ पत्थर को घड़े में डाल दिया। कंकड़ पत्थर डालने के कारण पानी ऊपर आ गया। कौवे ने बहुत अच्छे से पानी पी ली और खुशी खुशी आसमान में उड़ने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमान समय पर अपनी समस्या का समाधान कर ही लेते हैं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।